तभी यूक्रेन ने भारत को समझा था बच्चा, आज भारत से मांग रहा है शांति की भीख। अटल के अपमान का मोदी ने ले लिया बहुत बड़ा बदला। ये बात सालों पुरानी नहीं है, बस 24 साल पुरानी है। तब भारत के हालात भी परमाणु हथियार के मामले में यूक्रेन की तरह ही थे। जैसे आज यूक्रेन के पास परमाणु बम नहीं है, वैसे तब भारत के पास नहीं थे। तो दुनिया भारत को आंख दिखा देती, यूक्रेन तब भारत को अमेरिका के इशारे पे डराने की कोशिश करता था। आज यही डरा हुआ यूक्रेन भारत से मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। यूक्रेन के आकाओं को लगता है कि आज भारत मदद ना करे तो बर्बाद हो जाएगा पूरा मुल्क। कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, करीब 2 दशक पहले ही भारत ने जब साल 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। भारत के पास परमाणु हथियार नहीं थे, जिससे दुनिया भारत को हल्के में लेती थी। 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने दुनिया को जवाब देने के लिए एक ऑपरेशन तैयार किया। इसका नाम रखा ऑपरेशन शक्ति। भारत को छुपकर ऑपरेशन के लिए सालों तक काम करना पड़ा। अमेरिका की सैटेलाइट भारत की निगरानी करती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की मदद से वो कर दिखाया जिसका अंदाजा महाशक्तियों को नहीं था। भारत ने गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण किया। इस सफलता पे अमेरिका बौखला गया। अमेरिका का पालतू यूक्रेन तब उछल रहा था, भारत को आंख दिखा रहा था। तब उसने ऑपरेशन शक्ति के खिलाफ अमेरिका के कहने पर भारत के खिलाफ कैंपेन भी शुरू किया। दुनिया के 25 देश भारत के खिलाफ थे, जिसमें एक देश यूक्रेन भी था। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अमेरिका ने एक प्रस्ताव बनाया कि भारत ऐसा नहीं कर सकता। उस प्रस्ताव पर जिन 25 देशों ने हस्ताक्षर किया उसमें यूक्रेन का नाम भी शामिल था। धमकी दी गई कि भारत अपने परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाए। भारत का ऑपरेशन शक्ति अभियान नहीं रुका, भारत परमाणु शक्ति बना। और आज ठीक 24 साल बाद समझिए मोदी कितने पावरफुल हैं, ये हम नहीं बताएंगे, यूक्रेन बताएगा। दुनिया की कूटनीति में मोदी की ताकत क्या है वो भी यूक्रेन खुद समझाएगा। यूक्रेन की सरकार ही नहीं, यूक्रेन की जनता भी मोदी की तरफ क्यों देख रही है ये भी खुद वही बताएगा। उसे उम्मीद है कि संकट के वक्त अगर कोई कुछ कर पाएगा तो वो हिंदुस्तान के शक्तिशाली नेता मोदी ही कर सकते हैं। जो भारत की तारीफ नहीं सुनना चाहते वो अभी इस रिपोर्ट को बीच में छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने जो कहा उससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होगा। सुनिए यूक्रेन की एक एक बातें राजदूत ने क्या कह डाला। यूक्रेन के राजदूत ने कहा, हम भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं, वो इस संकट में हमारी मदद कर सकता है। मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर और सम्मानित नेताओं में से एक हैं। नहीं पता कि दुनिया के कितने नेताओं की पुतिन सुनेंगे, लेकिन मोदी जी से मुझे काफी उम्मीद है। अगर वो अपनी आवाज पुतिन के सामने उठाएं तो पुतिन शायद इस बारे में सोचेंगे। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी पुतिन को किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। इस मुश्किल हालात में हमें सिर्फ भारत बचा सकता है। यूक्रेन के राजपूत डॉक्टर इगोर पोलिखा का ये बयान सुनकर न जाने कितनों को बुरा भी लगा होगा। जो यूक्रेन अब तक अमेरिका के कहने पर बंदर की तरह उछलता था, वो आज भारत से मदद मांग रहा है। अमेरिका ने उससे जंग में झोंक कर ऐसा धोखा दिया कि उसकी अक्ल काम नहीं कर रही। अमेरिका से उसकी उम्मीदें धराशायी हुई तो भारत से गुहार लगा रहा है। वक्त का क्या गजब फेर है, आगे कहानी में कई और ट्विस्ट है, सुनिए। कहानी इतनी नहीं, भारत क्या कर सकता है ये समझिए। 70 के दशक में एक गाना आया, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मतलब समझा देते हैं, रूस के साथ भारत का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा। इसका ख्याल सिर्फ भारत सरकार ने ही नहीं रखा, बल्कि हमारी फिल्मों और हमारे संस्कार में भी रखा गया और रूस की टोपी सिर पे रखी गई। इसीलिए कहा जाता है जूता जापानी है लेकिन सिर पे लाल टोपी रूसी है। जब दुनिया भारत के ऑपरेशन शक्ति का विरोध कर रही थी तब रूस ने खुल के भारत का साथ दिया था। भारत के साथ रूस की इस दोस्ती का वास्ता देख कर ही यूक्रेन मोदी से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। जिस यूक्रेन ने अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान किया था वो आज मोदी से मदद मांग रहा है। मोदी को फेकू कहने वाले, कमजोर कहने वालों ने अगर ये रिपोर्ट आखिरी तक देख ली होगी तो ये भी कम हैरानी की बात नहीं। वो अपनी BP चेक करवा ले, लेकिन ये तो गारंटी है देश पे गर्व करते हैं तो उन राष्ट्रभक्तों का सीना और फूल गया होगा, क्योंकि दुनिया भर की निगाहें भारत पे हैं और दुनिया भर के देश भारत की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ मोदी की हो
तो भी हिंदुस्तान की होगी, और हिंदुस्तान की हो तो हर हिंदुस्तानी की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।